नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। और हम जिनसे रूबरू हो रहे हैं, इनका चेहरा आप पहचानते होंगे, नहीं पहचानते होंगे तो ये श्री जफर अली नकवी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे हैं। इनके बड़े माइनॉरिटी कमीशन वगैरह की चेयरमैन रहे हैं। मैं जफर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ। लेकिन मैं आपके इनके परिचय में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में बहुत कम लोग इतने शालीन होते हैं, इतने इतना मीठा बोलने वाले होते हैं और इतना इतने मजबूत होते हैं। जफर साहब कृष्ण प्रसाद के साथ थे, गृह राज्य मंत्री थे, और उसके बाद इन्होंने सारे देश में अपना काम किया। और इनसे मुझे जो बातचीत करनी है वो उत्तर प्रदेश को लेकर, मेरे लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऊपर बात करने के लिए जफर अली नकवी से बेहतर कोई आदमी मुझे समझ नहीं आया। तो मैं इन्हीं से बातचीत शुरू करता हूँ। जफर साहब, हम बातचीत शुरू करें उत्तर प्रदेश को लेकर के। दोस्तों, जी बिल्कुल उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत राजनीति है और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से बहुत सारी जगहों का रास्ता जाता है। अभी तो पार्लियामेंट का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जा रहा है। जफर साहब, जी। उत्तर प्रदेश चुनाव के मुख्य क्या क्या मुद्दे हैं? आपको क्या लगता है, किन मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा या सिर्फ इमोशनल इश्यूज के ऊपर चुनाव होगा? चुनाव जो होना चाहिए, जिसकी प्रक्रिया होती है, विकास कार्यों पर, आदमी के इंटिग्रिटी पर, पार्टी के मैनिफेस्टो पर, जनता चाहती है कि हमारे लिए पार्टियां क्या कर रही हैं, तो इस पे चुनाव होना चाहिए, जो जो प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज आज नाम तो विकास का है, लेकिन विनाश की बातें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश भारत ये सभ्यता संस्कृति का मरकज रहा है, तहजीब तमद्दुन का मरकज रहा है, जिसमें भाईचारा, मोहब्बत, खुलूस रहा है, लोग मिलजुल कर आपस में एक साथ रहते हैं, और उसके बाद कोई भी पार्टी हो, पार्टी के मैनिफेस्टो पर वोट करते हैं, ये एक सिस्टम रहा है। लेकिन आज सिस्टम बिल्कुल विपरीत हो चुका है। आज सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंक कर, उसे गुमराह करके चुनाव प्रक्रिया में जाना होता है। आज की स्थिति हो गई। जफर साहब, ये स्थिति आई, इसके लाने में भी तो आपके जैसे जो डिफरेंट पार्टीज के नेता हैं उनका हाथ रहा होगा। उन्होंने अपने वादे नहीं निभाए होंगे। आपका मतलब इंडिविजुअल नहीं, पार्टी पार्टी है, उन्होंने कोई वादे नहीं निभाए होंगे, वादे कर होंगे, लोगों के काम नहीं किए होंगे। आखिर अविश्वास अपोजिशन के ऊपर से उत्तर प्रदेश में इतनी जल्दी गया? और अपोजिशन में सभी पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी है, मोदी पार्टी है, मायावती जी की पार्टी है, जितनी भी पार्टियां हैं किसी के ऊपर लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? और ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि बीजेपी बनाम अदर्स ये लड़ाई शुरू हो गई? देखिए, बीजेपी ने बहुत झूठ बोला, और झूठ बोलकर उनको उनको जनता ने सपोर्ट भी कर दिया। भोली भाली जनता के दिमाग को कमल बेस पे टर्न किया गया, उसके दिमाग में भूसा भर दिया गया, कमल कमल का, और ये सब चीज़ें भर दी गई, हिंदू मुसलमान भर दिया गया, पाकिस्तान भर दिया गया, कब्रिस्तान भर दिया गया, और शमशान भर दिया गया, और ये लोग जीत गए। तो जब इनको एहसास हुआ कि बिना काम किए हम सिर्फ लफ्जों से, शब्दों से चुनाव जीत सकते हैं, तो फिर इन्होंने अपना शॉर्टकट रखा, कौन पैसे खर्च करे, कौन काम करे, कौन जनता का विश्वास करे, इससे मुझे फायदा पहुंच रहा है। नतीजा ये, जनता बेचारी परेशान हो गई। अब जनता जागरूक है, वो महसूस कर रही है कि अपना अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है, कि इन तमाम अपोजिशन पार्टियों ने हमको ठगा है, कहीं जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं पैसे के नाम पर, कहीं झूठ बोलकर, कहीं सांप्रदायिक भावनाओं को फैलाकर, कहीं मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर ठगा हमको है। तो इस पे ये लोग जीतते रहे। तो जब देखा इन लोगों ने, जब शॉर्टकट हम इलेक्शन जीत रहे हैं, तो फिर उनके पास काम करने का कोई मकसद या पैसे खर्च करने का मकसद, जनता के फायदे के लिए कोई बात करने का मकसद खत्म हो गया। वो ठीक है, ये हुआ, लेकिन सवाल दूसरा है कि
इस चीज को तोड़ने के लिए पूरा अपोजिशन आपकी पार्टी के सहित लोगों ने कोई कदम क्यों नहीं, झूठ का मुकाबला करने की कोशिश क्यों नहीं की? आपको 5 साल हो गए उत्तर प्रदेश में सरकार को, लेकिन लोगों के बीच जाकर वो इन सारी चीजों की जो कह दें सफाई देनी चाहिए, या सफाई न कहें कम से कम झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए, वो किसी भी पार्टी ने नहीं किया। हम किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहे, जितनी पार्टियां आप लड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में, से किसी को भी ये कहने का हक नहीं कि हमने कोशिश की कि लोगों को हम सच्चाई सच्चाई बताने में पार्टियों की ऑर्गेनाइजेशन इतना लुंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जब से प्रियंका गांधी जी आई हैं, उनके नेतृत्व में एक जन जागरण पूरे प्रदेश में हुआ है, और उन्होंने इस बात को उठाया भी है, पूरे प्रदेश का दौरा किया है, जहां जहां लोगों की मुसीबतें आई हैं, जहां जहां महिलाओं के साथ अन्याय हुए हैं, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, कहीं भी हो, हर जगह वो पहुंचे हैं, और उन्होंने इस बात का एहसास दिलाया है कि ये गलत हो रहा है और जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है। उन्होंने गरीबी की बात को भी दोहराया, उन्होंने गन्ने की कीमत को भी कहा, उन्होंने महंगाई को भी कहा, उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम को भी कहा, यानी कोई मुद्दा बाकी नहीं रहा जिस मुद्दे को प्रियंका गांधी के नेतृत्व में रैलियां हो या उन्होंने जागरूकता किया हो। तो उन्होंने ये पूरी चीजों को लाके पूरे प्रदेश में एक माहौल पैदा किया है, और आज वो चर्चा में है, कांग्रेस भी चर्चा में है, और इनकी कुरीतियां जो बुराइयां हैं, कानून व्यवस्था हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे कोई पार्टी हो जिसने कुछ नहीं किया है, तो जनता उनकी बात को सुचारू रूप से समझी है, सोची है, और दिल में अपने जज्बात रखे हुए कि जो बात प्रियंका गांधी कह रही हैं वो सच बोल रही हैं। सबसे बड़ी बात नियत की होती है, उसने महसूस किया कि ये हमें ठगा गया है, इन लोगों ने नीयतें खराब की गई हैं, लेकिन कांग्रेस की नीयत साफ है, जैसे कि मनमोहन सिंह जी ने जो कहा कर्जा माफ करेंगे या जो भी कहा, तो वो सब करके दिखाया है। तो अब जनता में जागरूकता पैदा हो गई है और विश्वास कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। सब ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास है उत्तर प्रदेश को लेकर, तो ये खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है वो सारे लोगों को काम ही नहीं दे पा रहा है, सारा काम उसने प्रियंका गांधी जी के ऊपर डाल रखा है। और चुनाव में आप जानते हैं, चाहे एक नेता तभी चला सकता था, नाम दे सकता था, जैसे इंदिरा जी, जैसे जवाहरलाल जी, लेकिन आज के समय अगर उसके साथ साथी नहीं, उसके हाथ पैर नहीं है, तो कैसे करेगा? अकेली प्रियंका जी जाती है, बड़ी भीड़ आ जाती है, वो अपनी की बात पे लोग अमल भी करते हैं। अब ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसने उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी, जिक्र करें प्रियंका गांधी का, वो ये कि महिलाओं को 40% सीटें देंगे, वो इसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी, सारे विपक्षी दलों को परेशान कर दिया, लेकिन दबाव नहीं बना पाया। ये इसलिए क्योंकि पार्टी के नेताओं को जिस तरह लोगों में इस बात को ले जाना चाहिए था, यूपी पार्टी के नेताओं को, वो उसको नहीं लेके गए, ऐसा हम लोगों को लगता है जो देख रहे हैं। आप इसमें कुछ देखिए, ऐसा है कि पहली बार प्रियंका गांधी ने न्याय पंचायत गांव से लगाकर और स्टेट तक एक पूरा पूरा संगठन बनाने की बात करी है, और संगठन बना है। अभी तक पिछले 20-25 सालों में जो कांग्रेस की दुर्गति बनी है उसमें खास बात यह थी कि संगठन नाम की कोई चीज नहीं थी, टिकट बांट दिए और लोग लड़ गए और हार के घर चले गए। लेकिन अब पहली बार हुआ है कि किसी की मोनोपोली नहीं है कि कोई बड़ा लीडर चाहे कि मेरी मोनोपोली, हमारे इतने टिकट दे दिए जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन गांव स्तर से, न्याय पंचायत स्तर से, ब्लॉक स्तर से बन के लाखों की तादाद में संगठन बन के तैयार हुआ है, जिनकी लाखों की टीम है जो पहली बार बन के आया है और काम जारी है। पिछले 2 साल से मैं समय महसूस करता हूँ कि कोई भी ऐसा इशू बचा नहीं है जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्टेशन न किया हो, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे पेट्रोल का हो, चाहे वो डीजल का हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे सिचुएशन का हो, चाहे सैलाब में पानी का हो,
सारे इशू में संगठन ने अपना काम किया है और आज भी वो दौड़ जारी है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि आज चर्चा में कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी है, उनका नेतृत्व में विश्वास है और संगठन पहली बार बन के तैयार हुआ है और उसमें समय जरूर लगता है। जो 30 साल से संगठन न बना हो वो 2 साल में कितना काम करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन संगठन बना है और बनने के बाद काम जारी हुआ है। तो इस उत्तर के बाद मैं फिर से पहले सवाल के ऊपर आपके आता हूँ कि क्या इस चुनाव में मुद्दा पर्सनालिटी रहेगी, प्रियंका जी, अखिलेश, मायावती जी, इस तरीके की पर्सनालिटीज के ऊपर चुनाव होगा या ये चुनाव होगा मुद्दों के ऊपर, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक तरीके से पुलिस का दबाव चलता है या लोगों के काम नहीं हो रहे हैं या लोगों का विश्वास हट रहा है योगी जी में से, या उसके ऊपर होगा या लोगों की समस्याएं दूर करने की जगह मंदिर बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये सारे सवाल कहीं आपके लिए नेगेटिव तो नहीं होंगे? देखिए, इस समय जो मुद्दा खास चुनाव होने जा रहा है वो बीजेपी का जो झूठ का पुलंदा है, जो कुरीतियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो चोरी है, जो किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, जो किसानों के दाम वापस नहीं किए, जो महिलाओं का उत्पीड़न है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो डीजल और पेट्रोल के दामों की महंगाई है, रसोई घर की बीमारी है, रसोई बंद हो गई है, ये कानून, इन सब के ऊपर मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ने जा रहे हैं और जनता इन सब को एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि वो भुक्तभोगी जनता है, आम जनता, वो महसूस कर रही है कि इन मुद्दों को सही कहा जा रहा है, हम लोग भुक्तभोगी हैं और बीजेपी जो झूठ का पुलंदा है जिसने आज तक वादा करके किसानों को मारा है पीटा है और आज तक उनके पैसे अदा नहीं किए हैं, लोग भुखमरी के शिकार हो गए हैं, मिलों से हाथ मिला लिए गए हैं, तो सारा प्रदेश व्याकुल हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे अलग अलग मुद्दे हो, आज सरकार बीजेपी की बननी नहीं जा रही है। आज ये जहां जहां स्टार प्रचारक चलेंगे उनके आगमन में चुनाव होगा। जफरुल नकवी साहब, अब इस सारी सिचुएशन को देख मैं आपसे ये जानना चाहूँ, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। मैं ये जानना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े विज्ञापन में, जहां भी जाता हूँ, बॉम्बे जाता हूँ, बेंगलोर जाता हूँ, इलाहाबाद जाता हूँ, बनारस जाता हूँ, जहां भी जाता हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के जो 5-5, 6-6 पेज के विज्ञापन अखबार में दिखाई दे रहे हैं जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सारे वादे न केवल पूरे कर दिए बल्कि उत्तर प्रदेश को एक तरह से स्वर्ग बना दिया और उत्तर प्रदेश को उन्होंने देश में सबसे सबसे नंबर एक का उत्तर प्रदेश बना दिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इन दावों में कितनी सच्चाई है, इन दावों का सामना राजनीतिक दल कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये एक झूठ का पुलंदा है और इन्होंने 5 साल तक कुछ नहीं किया है, आखिरी वक्त में ये शिलान्यास कर रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन दे के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, कहते हैं एम्स तैयार हो गया, कहीं एम्स तैयार नहीं हुआ, कहते हैं यूनिवर्सिटी बन गई, कहीं यूनिवर्सिटी नहीं बन के तैयार हुई, कह रहे अस्पताल बन गए, ऐसे बोलते हैं, बजाय इसके शिलान्यास के अस्पताल बन गए, इतने अस्पताल बना दिए, कहीं अस्पताल नहीं बना, गन्ने के दाम अदा कर दिए, कहीं गन्ने के दाम अदा नहीं किए, आज भी हमारे जो किसान भाई है रो रहे हैं और धरना दे रहे हैं, हमारे लखीमपुर खीरी में सारा किसान आज भी धरने पर बैठा हुआ है। तो ये धमाधम, ये अपना झमाझम पीएम को बुला के खुद बुलाकर झूठे शिलान्यास, झूठे एयरपोर्ट, झूठे हवाई जहाज, सब झूठ बोलकर ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिनके लिए कह रहे हैं वही कह रहे हैं कुछ नहीं है, ये तो हवा पानी है, कह रहे गांव में सड़कें बन गई, इतनी बन गई, इतना शिलान्यास कर दिया, इतने हाईवे बना दिए गए, कहीं कोई हाईवे नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ झूठे पत्थर लगाकर जनता में एक अपनी बात को कह रहे हैं। और दूसरी बात ये, अरबों खरबों रुपए जो हैं ये विज्ञापन में देकर
ये अपने को झूठ बोल, लोग हंसते हैं विज्ञापन पढ़ के कि इतनी करोड़ रुपए देकर विज्ञापन आप कर रहे, कहीं कोई एक चीज तो बनी होती, एक एम्स बना होता, एक अस्पताल बना होता, एक यूनिवर्सिटी बनी होती, कहीं कुछ बन के नहीं गया है। जनता जागरूक है, इनके बहकावे आने वाली नहीं है। जफर अली साहब, आपका जिला पूरे देश में चर्चित हो गया है जी, और खासकर टेन के मसले में, उस केस के आज क्या पोजीशन है? लोगों का मानना है लेकिन कुछ तरीके कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे या नहीं, किसानों के पक्ष में या किसानों के पक्ष? ये पूरा किसान हमारे जिले का खिलाफ है, उसके साथ जो अन्याय हुआ पूरा देश और विदेश जानता है, और आज उनके दामों को भी नहीं दिया गया है। और SIT ने जो एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के होने के बाद भी जो यहाँ के सांसद जो मंत्री बने हैं उनकी गाड़ी नंबर, उनके नाम की गाड़ी भी दी गई है, उनको भी इन सरकार ने SIT की रिपोर्ट देने के बाद भी इस्तीफा नहीं होने दिया। इतनी बड़ी हर धर्मी तो कभी नहीं हुई है। उनके खिलाफ 302 का केस भी पेंडिंग है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें एक दरखास्त दी गई है, रिट दायर की गई है, फैसला कैसा जल्दी किया जाए। किसान यहाँ बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, चुनाव का इंतजार कर रहा है कि हमारे चुनाव आने दीजिए। किसी भी सीट को लखीमपुर खीरी में एक सीट BJP को नहीं मिलेगी, जबकि यहाँ पर 8 की 8 सीटें मौजूद हैं। और आज ये लोग व्याकुल है, परेशान है, किसान और जनता एक एक साथ होकर तैयार बैठी हुई है, इसलिए शब्दावली नहीं बोल पा रही है, क्योंकि आतंक है, बोलेंगे तो उनको आतंक हो जाएगा, मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, इसलिए खामोश बैठी है, वक्त का इंतजार कर रही है। जफर साहब, अगर कांग्रेस पावर में आती है, सत्ता में आती है, तो उसकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? कुछ आपकी, क्योंकि आप प्रियंका गांधी जी के नजदीक है, प्रियंका गांधी आपके घर भी आ चुके हैं, मुझे ये बताइए कि कुछ आपकी बातचीत हुई है प्रियंका जी से कि अगर सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई, जनता कौन होगा पता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी शायद मुख्यमंत्री न बनना चाहे, वो देश की नेता है, लेकिन मान लीजिए जो भी मुख्यमंत्री बनता है, प्रियंका जी बनती है, तो कांग्रेस की प्राथमिकताएं क्या होंगी, कौन कौन से कदम है जो वो पहले उठाए? देखिए, बहुत साफ बात हमारे मैनिफेस्टो में सब लिख दिया गया है, और कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी जी ने अपने मैनिफेस्टो लेडीज का और एक और तय किया है। सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी किसानों के कर्जे के माफी की जाए, जो छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही और उसके साथ पंजाब में और साथ में राजस्थान में पहला काम यही किया कि पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्जा माफ हुआ, किसानों का कर्जा फौरन माफ किया जाएगा, उनके दामों को जो बाकी हैं वो दिया जाएगा, बिजली के बिल, पानी के बिल हाफ किए जाएंगे, और जो उपज है उसको पूरा किया जाएगा, पेट्रोल डीजल के दामों को संतुलन किया जाएगा, आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाएगा, महिलाओं के उत्पीड़न को समाप्त किया जाएगा, महिलाओं के लिए खास तौर से कहा गया है कि हम इसको एक सौ एक हम करीब 40% महिलाओं को हम टिकट देने जा रहे हैं, ये भी फैसला हुआ है। इसके साथ महिलाओं के लिए उनको 3 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। इसके साथ साथ एक 72 स्कूलों की व्यवस्था महिलाओं के लिए होगी, आंगनबाड़ी और आशा बहनों को 10,000 रुपये दिया जाएगा। इसी के साथ साथ में जो पेंशन है वो भी दी जाएगी, जो कोरोना में लोग पीड़ित हुए हैं उनको भी 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें जो लोग परेशान हाल हैं, जिनके बीमारी से जिनको इलाज नहीं हो पा रहा, उनको 10 लाख रुपए तक का इलाज दिया जाएगा। बसों में उनका जो सीट है वो सीट उनको फ्री दी जाएगी। तो इस किस्म से बहुत सी घोषणाएं हमारे यहाँ दी गई हैं और उम्मीद पाई जाती है, जनता इस पर विश्वास कर रही है। प्रतिज्ञा हमारी जो है उसकी रैलियां भी हो रही हैं, हम भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, और इसको जनता, सबसे बड़ी बात यह है, चुनाव वादा नहीं मान रही है, कह रही जो कांग्रेस ने चुनाव के पहले पहले मनमोहन सिंह ने कहा था या जिसने भी कहा था उसको पूरा किया। ये साफ सच्ची बातें कांग्रेस करते हैं, ये मेरा वादा पूरा करेंगे, इसलिए जनता का अंदर से हमारे प्रति बहुत अच्छी एक रुझान है, और हमें उम्मीद है कि जनता हमको इन तमाम वादों पर और बहुत से वादे हैं उनको पूरा करेगा। जफर साहब,
आपसे मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के महत्वपूर्ण नेता हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में एक मुद्दा उठ सकता है जिसके बारे में लोगों की शंकाएं हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव क्रिमिनल हो सकता है, उत्तर जी प्रदेश के चुनाव में हिंदू मुस्लिम सवाल आ सकता है। इस सवाल का कितना प्रभाव इलेक्शन पर पड़ेगा? क्या ये सवाल लोगों का मन बदलने में होगा, या लोग इस सवाल को अनदेखा करके अपने बेसिक इश्यूज को लेकर के चुनाव में वोट डालने का फैसला करेंगे? देखिए, आज भी जो पढ़े लिखे जनता में लोग हैं, गांव में मुखिया हैं, और विशेषकर वेस्टर्न यूपी के अंदर जो हमारे जाट समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो हम जब जाते हैं गांव में तो वो कहते हैं मंदिर मस्जिद को लेके क्या हम चाटेंगे, इससे हमारा क्या पेट भरेगा, क्या हमारे बच्चों की नौकरी होगी, क्या हमारा महंगाई कम होगी, क्या सिलेंडर के दाम कम होंगे। तो वो कहते हैं कि ये मुद्दा इनका हमेशा रहा है, आज कोई नई चीज नहीं है। इस मुद्दे को इन्होंने पिछली बार भी कब्रिस्तान और शमशान से और पाकिस्तान से और आतंकवादी से इन्होंने इस मुद्दे को ला के इलेक्शन जीत लिया था, लेकिन अब कलई पूरी खुल गई है और कलई बहुत दिन तक तो नहीं चलती, आपको पता ही है, साल दो साल के बाद फिर उसको कलई चढ़ाना होती है, तो कलई इनकी खुल चुकी है। और आम तौर से देहाती भाई जो है, जो मुखिया है, जो प्रधान है, उनको पता है कि ये मुद्दे लाएंगे, ये सांप्रदायिक भावना फैलाएंगे, ये मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, लेकिन हम इतने व्याकुल हो चुके हैं, हमारे घरों में इतनी परेशानी हो चुकी है कि इन मुद्दों को हम नजरअंदाज करके जो असली मुद्दे हैं जनता के, उस पर हम वोट करेंगे, ये भावना पाई जाती है। लेकिन ये अपनी कमी को, ये इनके इलेक्शन पीरियड में ये यही मुद्दे लाएंगे, ये छोड़ेंगे नहीं, कहीं पाकिस्तान को, कहीं अफगानिस्तान को, कहीं ये कब्रिस्तान को, ये लाएंगे, लेकिन जनता में इस प्रकार की दिमाग में बैठ गया है, ये हमको धोखा देने के लिए ऐसे मुद्दे लाते हैं, इसका कोई हमको असर नहीं है, या हमको इससे कोई पेट नहीं है। जफर साहब, आखिरी सवाल आपसे है और इम्पोर्टेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी साहब ने दस्तक दी, और दस्तक उनकी ऐसी है कि कह रहे हैं कि हम 100 या 150 सीटें लड़ेंगे, और वो 100 150 सीटें, तो लोगों में क्या असर होगा? क्या इलेक्शन पोलराइज होगा, मुसलमान उनकी तरफ जाएगा, उनकी अनदेखी करेगा, क्या? और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप तो मुसलमान हैं, इसलिए नहीं बल्कि आप देश के एक महत्वपूर्ण हैं और उत्तर प्रदेश को अपनी हथेली की तरह जानते हैं, इसलिए मैं ये सवाल आता। देखिए, कल मैं नहीं कह रहा हूं, कल मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें किसी ने लिखा था कि ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है, कि किसी ने उसमें लिखा था, मेरे पास कोई अखबार रखा हुआ है, और लोग जानते हैं कि ओवैसी को खड़ा किया गया है, 100 सीटें वहां वहां जहां माइनॉरिटी की सीटें हैं उनमें डिवाइड करो, रूल करो, ताकि वोट डिवाइड हो माइनॉरिटी के और बीजेपी जीत जाए। लेकिन जनता जागरूक है, वो जानती है कि वो इसी को यहाँ पे चले नहीं दिया जाएगा, ये हैदराबाद नहीं है, उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ के ऊपर जिस तरीके से बंगाल में वो इसी ने गए थे, बंगाल में 30% मुस्लिम है, उनको उम्मीद थी कि हम यहाँ पे 25-30 सीटें लेंगे, उसी ने एक उसी की पार्टी को बंगाल में नकार दिया गया, वही बंगाल की पोजीशन उत्तर प्रदेश में आ गई है। यहाँ पर कोई भी मराठी का आदमी, ओएसी या कोई और पार्टी आती है जो मराठी के नाम पर वोट मांगती है, उसको उसको निकाल दिया जाएगा। जो बीजेपी को हरा रहा होगा और जहां पे स्ट्रांग मामला होगा वहीं पर सपोर्ट मराठी का दिया जाएगा, ओएसी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, वो टीम वो खड़ी करें टीम अपनी, लेकिन उसको निकालने के लिए जनता ने अपना दृढ़ प्रतिज्ञ अपना मन बना लिया। बहुत बहुत शुक्रिया जफरेल निकवी साहब। ये थे जफरेल निकवी साहब, उनका एक ये भी है कि वीपी सिंह के जितने नजदीक थे, ये बाद में इंदिरा जी ने भी इनको प्यार दिया, राजीव गांधी भी, प्रियंका गांधी भी इनको काफी वजन देती हैं, तरजीह देती हैं, इनको घर खाने खाने गई थी और वहां से लोगों को लगा जफरेल को टिकट दिलवा सकते हैं, तो मेरा अंदाजा कर सकता हूँ कि आपके बहुत सारे लोगों की भीड़ इस समय लगी होगी। लेकिन आपने ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल और सियासी जो सिचुएशन है उसके बारे में जो बात की, तो
उससे दर्शकों आपको उत्तर प्रदेश को समझने में थोड़ी सी आसानी जरूर होगी, आप समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या सवाल हैं, उनका मुकाबला एक प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस कैसे करने जा रही है। जाहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी उत्तर प्रदेश को लेकर के बातचीत होगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे ये बता लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत गुड विशेष शुभकामना।